निर्धन और निर्बल वन और पर्वतों में रहने वाले अपने भाइयों की सेवा ही उनका धर्म और पूजा थी। वे जहां भी पीड़ितों को देखते उनकी सेवा को तत्पर हो जाते। इस सेवा के कारण ही लोग उन्हें ठक्कर बापा के रूप में जानने लगे। वैसे उनका नाम अमृतलाल ठक्कर था। उनका जन्म 29 नवंबर 1869 को गुजरात में सौराष्ट्र के भावनगर में हुआ था। धार्मिकता और परोपकारिता के संस्कार उन्हें अपने पिता विठलदास ठक्कर से मिले थे। शिक्षा प्राप्ति के बाद उन्हें पोरबंदर में अभियंता की नौकरी मिली। वे रेल विभाग के साथ 3 साल के अनुबंध पर युगांडा गए और जब लौटे तो देखा उनके क्षेत्र में दुर्भिक्ष फैला हुआ था। बस वे सेवा में जुट गए। इसके बाद उन्होंने मुंबई नगर निगम में काम किया किंतु मन नहीं लगा। 1909 में पत्नी के देहांत के बाद निर्धनों की सेवा को ही अपने जीवन का लक्ष्य बनाकर वे मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में बसे वनवासियों के बीच काम करने लगे। यहां उन्होंने देखा कि विदेशी मिशनरी विद्यालय चिकित्सालय आदि की आड़ में धर्मांतरण का कुचक्र चला रहे हैं। बापा इस दुष्चक्र को तोड़ने के लिए हरिकृष्ण देव के साथ भारत सेवक समाज में शामिल हो गए। उन्होंने गांधी जी, गोपाल कृष्ण गोखले, देवधर दादा, सुखदेव भाई और श्रीनिवास शास्त्री जैसे महान नेताओं के साथ भी काम किया, लेकिन राजनीतिक क्षेत्र में उनका मन नहीं लगा। अब वे पूरी तरह से वनवासियों के बीच काम करने लगे। वे सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के माध्यम से पूरे समय काम में लग गए। 1920 में उड़ीसा के पुरी में बाढ़ आने पर सेवा की। 1932 में गांधी जी के आग्रह पर वे हरिजन सेवक संघ के मंत्री बने। समाज सेवी उद्यमी घनश्याम दास बिड़ला ने इसका अध्यक्ष पद इसी शर्त पर स्वीकार किया था कि ठक्कर बापा संस्था के मंत्री होंगे। 1946 में नोआखली में मुस्लिमों द्वारा किए गए हिंदुओं के नरसंहार के बाद वहां जाकर सेवा कार्य किए। वे जिस काम में भी हाथ डालते उसका गहन अध्ययन कर विभिन्न समाचार पत्रों में लेख लिखकर जनता से सहयोग मांगते थे। उनकी प्रतिष्ठा के कारण उन्हें भरपूर धन मिलता किंतु उसका हिसाब रखना कभी नहीं चूकते। ठक्कर बापा तात्कालिक समस्याओं के निदान के साथ ही कुछ स्थायी कार्य भी करते थे ताकि लोगों का जीवन उन्नत हो सके। विद्यालय, चिकित्सालय और आश्रम को वे श्रेष्ठ माध्यम मानते थे। उन दिनों प्रचलित बेगार प्रथा के विरोध में आंदोलन चलाए। स्वतंत्रता के बाद जब असम में भूकंप आया तब वहां के राज्यपाल के आग्रह पर अपने सहयोगियों के साथ सेवा कार्य किए। बापा ने भील सेवा मंडल, अंत्य सेवा मंडल आदि संस्थाएं बनाकर इन वर्गों की आर्थिक एवं सामाजिक स्थिति सुधारने के प्रयास किए। समाज सेवा के लिए सदैव तत्पर रहने वाले इन महान सेवाव्रति का 19 जनवरी 1951 को भावनगर में अपने परिजनों के बीच देहांत हो गया। जुड़े रहिए हमारे चैनल अपनी माटी अपनी थाती के साथ। और हाँ, यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर दें ताकि आपको मिलती रहे नित नई जानकारी। नमस्कार।